आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है और जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उनमें पिछले कुछ समय से जो मिलावट के मामले हैं वो काफ़ी बढ़ने लगे हैं। इस समय हम जो चिकित्सा विभाग की जो लैब है, टेस्टिंग लैब, फूड टेस्टिंग लैब, वहाँ पे मौजूद हैं और आइए जानते हैं कुछ ऐसे सामान्य खाद्य वस्तुएं जिनमें मावा, दूध, दाल या घी, मिर्च आदि शामिल है, उनकी घर पर किस तरह से जांच की जाए। सर, जैसे मार्केट में दूध में या मिल्क एनिमल प्रोडक्ट में जनरली स्टार्च की मिलावट कर देते हैं, न्यूट्रलाइज की मिलावट कर देते हैं, यूरिया की मिलावट कर देते हैं, तो अपने इसको घर पे भी चेक कर सकते हैं। स्टार्च की मिलावट के लिए जैसे थोड़ा सैंपल लिया, उसमें टिंचराइडिन डाला तो आपको वॉलेट कलर आ जाएगा उसमें, तो आप उस चीज़ को घर पे कर सकते हैं। एक बार करके आप बताइए। जी सर, जी हाँ, अपन थोड़ा सैंपल लेंगे। अब जैसे मिलावटी दूध है, इसमें 5 चम्मच सैंपल लिया, इसमें 1-2 ड्रॉप टिंचराइडिन की डालेंगे तो वॉलेट कलर आ जाएगा। मतलब बैंगनी कलर आ जाएगा सर, देखिए आप, ये देखिए सर, तो इसमें बैंगनी कलर डेवलप हो जाता है जैसे अपन टिंचराइडिन डालते हैं। तो अब इसको घर पे देख सकते हैं। अब बैंगनी कलर आते ही ये मिलावट है? ये मिलावट, इसमें स्टार्च की मिलावट है, कोई सा फॉरेन स्टार्च हो। अच्छा, उसकी मिलावट की गई है। टिंचराइडिन अगर इसके अंदर मिलाएंगे तो? जी जी जी, 1-2 ड्रॉप मिलाएंगे ना मिलावटी में। मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट कोई सा भी हो उसमें इसकी स्ट्रेस कर सकते हैं। अब जैसे इसमें यूरिया की जाँच करेंगे अपन जनरली, तो 5 चम्मच सैंपल ले लेंगे और पैराडाइम था लेमिनो बेंजल डाइड रिजेंट आता है, इतनी मात्रा में वो रिजेंट डालेंगे तो येलो कलर डेवलप होगा सर इसमें, अगर मिलावट होगी तो। मिलावट होगी तो, और लाइट येलो डेवलप होगा जिसमें नेचुरली प्रेजेंट होता है सर 700 ppm तक, तो उसमें डेवलप हल्का होगा जो अपन कंट्रोल के द्वारा देख लेते हैं सर हम। अब इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में है ये, ऐसा कलर डेवलप होगा, और जिसमें मिलावट नहीं होगी उसमें कम आएगा सर। तो उसमें कम होगा? हाँ, मैं दिखाता हूँ आपको, उसमें नेचुरली होता है 700 ppm तक। देख पा रहे हैं सर आप दोनों में डिफरेंस, आप खुद कर लीजिए कि इसमें इसमें येलो कलर ज़्यादा मात्रा में, इसमें कम है। तो जिसमें ज़्यादा मात्रा में है जो 700 ppm तक नेचुरली सभी में होता है, सभी मिल्क में पाया जाता है। अच्छा। 700 ppm तक, 700 ppm से ऊपर हुआ तो सर वो मिलावट है। अच्छा, टिंचराइडिन है और ये जो अन्य सॉल्यूशन है ये मार्केट में आराम से मिलता है? जी सर हाँ, टिंचराइडिन तो सर जनरली अपने घर पे आराम से मिलता है, जो अपन थोड़े दिन से लगाते हैं वो भी इससे टेस्ट हो जाता है। अच्छा, उससे भी हो जाता है। इसके अलावा सर देखिए आप मावा की अगर बात करें। हाँ जी सर, मावा में भी स्टार्च मिला दिया जाता है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है सर, यूरिया मिला दिया जाता है, इस तरह के बहुत सारे और भी कई मिलावट कर दिए जाते हैं। सामान्य अगर मावे की जाँच करें? जी 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 सर, एक जाँच करें। जी 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 सर, आप इसमें थोड़ा सैंपल लेंगे सर, इसमें टिंचराइडिन? जी जी जी, इसमें इसमें टिंचराइडिन मिलाना है। ये धीरे धीरे से इसमें वॉलेट का डेवलप हो जाएगा। अच्छा, इसकी पहचान कैसे करें कि ये मिलावटी है या नहीं, टिंचराइडिन में? हाँ, उसमें जो जनरली होगा सर उसमें नहीं आएगा, कोई वॉलेट कलर नहीं आएगा, बैंगनी कलर नहीं आता उसमें। अच्छा, मावे में भी नहीं आया? जी हाँ जी, कोई मिलन मिल प्रोडक्ट हो सर उसमें नहीं आता है ये। अच्छा, अब आपको सर और दिखाता सर, घी में किया जाता है, घी में जनरली वनस्पति की मिलावट कर दी जाती है सर, तो अपन उसको देख सकते हैं जनरली। इसका इक्वल अमाउंट में सैंपल लेके HCl मिलाते हैं, जो सोरा होता है सर अपन बोलते हैं तेजाब, उसको मिला के मिलावट? नहीं नहीं सर, वनस्पति वनस्पति घी बोलते हैं ना जनरली मार्केट में, उसकी मिलावट की टेस्ट है सर ये, इसको बुडेंटस बोलते हैं हम लैब की भाषा में। अच्छा, इसको टेस्ट करने के लिए क्या करना? जी सर, 5 ml सैंपल ले लिया, इक्वल अमाउंट में अपन सोरा डाल देते हैं। अच्छा। और परफ्यूरल डेट सोल्यूशन आता है सर, वो डालेंगे तो पिंक कलर डेवलप होगा एसिड लेयर में। अच्छा, सर ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तेजाब बोला मैंने आपको, घर पे तेजाब मिल जाएगा आपको, उससे भी कर सकते हो। और दो इसको 2 मिनट तक सेक करेंगे सर, तो लोअर एसिड लेयर में पिंक कलर डेवलप हो जाएगा, और जिसमें
वनस्पति या किसी फॉरेन तेल की मिलावट नहीं की गई, वनस्पति में आएगा सर ये जनरली, वनस्पति तेल की मिलावट की गई तो लोअर एसिड, हाँ पिंक कलर आ जाएगा सर उसमें, पिंक कलर जी आपको वो भी करके दिखाता हूँ, एक वैसे प्योर होना उसमें कोई कलर नहीं आएगा सर बिना मिलावट, ये शुद्ध तेल शुद्ध घी है अपने पास। उतना इक्वल अमाउंट में सैंपल लेंगे सर, इक्वल अमाउंट में सोरया तेजाब डाल देंगे, लैब में अपन इसको HCl बोलते हैं सर, HCl जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, परफ्यूरल डेट सॉल्यूशन डालेंगे, इसमें जनरली मिलावट नहीं की गई तो इसमें पिंक कलर डेवलप नहीं होगा। देख दीजिए सर इसमें कोई कलर डेवलप नहीं हुआ, इसमें कलर डेवलप हो गया, समझ लो इसमें मिलावट की गई है वनस्पति घी की, उसमें मिलावट की गई है सर, ये शुद्ध घी है जी 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 जी। सर वो इसमें भी पिंक कलर डेवलप हो जाएगा जो अनपरमिटेड डाइज हैं, अनपरमिटेड सिंथेटिक डाइज हैं, इसमें जनरली कोई सा भी कलर परमिटेड नहीं है सर मिर्च मसालों में। अपने इसमें डालेंगे, अभी मैं करके दिखाऊंगा सर आपको, स्ट्रेट वर्ड लेयर ले हैं ले लेंगे, जो पैटी थ्रेड लेयर है सेम इस पे भी जी हाँ सर, जो जनरली घर पे करते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें एसिड लेयर में पिंक कलर डेवलप हो जाएगा। बिना मिलावट सर उसमें कोई कलर नहीं आएगा, अगर ये कलर पानी डालने पे गायब हो जाता है तो ये समझ लो नहीं है, कोई कलर की मिलावट नहीं की गई है। अभी ये क्या शुद्ध है या? जी सर ये मिलावट ही है, इसमें आप देख पा रहे हैं पिंक कलर आ गया नीचे, जो प्योर होगी उसमें मिलावट नहीं आएगा कोई कलर भी। जी सर वैसा कलर दिखाता हूँ सर, ये अपने पास शुद्ध मिर्च है, इसमें थोड़ा सोलवेंट डालते हैं सर अपन, स्प्रिट डाल लीजिए पैटी तक डाल लीजिए, फिर उस लेयर को लेके अपन स्प्रिट डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें डिजोल्व हो जाता है सर जो अनपरमिटेड सिंथेटिक फूड डाइज हैं, फिर इसमें वापस वही HCl डाल दीजिए या तेजाब बोलते हैं अपन वो डाल लीजिए सर, तेजाब जनरली इससे ही बनता है सर, वो डाइल्यूट होता है या कंसनट्रेट है सर, इसमें देखना कलर नहीं आएगा। आप देख पाइए सर इसमें लोअर लेयर में पिंक कलर है, इसमें कलर है, ये मिलावटी है सर, ये बिना मिलावटी है, इसमें कलर डेवलप नहीं हुआ है, अगर इसमें कलर डेवलप हो भी जाए तो जनरली हल्दी उससे आ जाता है, लेकिन पानी डालने पे वो गायब हो जाता है, तो उसमें कलर नहीं है। तो बिल्कुल कुछ ऐसी जो सामान्य जानकारी है, और जो टिंचर आयोडीन है या फिर जो HCl तेजाब है, इनके उपयोग से हम साधारणतः जो दूध हो गया, चाहे मिर्च हो गई, मावा हो गया, इनकी आसानी से जो मिलावट की जांच है वो घर पर भी कर सकते हैं, और ये पता लगाया जा सकता है कि जो भी वस्तुएं हम बाज़ार से खरीद के ला रहे हैं उनमें मिलावट है या नहीं। जयपुर से ETV भारत के लिए आदित्य अत्रे।